मिलते हैं आज अपने नए टॉपिक्स में। आज के हमारे टॉपिक्स ये तो बिल्कुल ही करंट की खबर है, आप सभी लोग जानते हैं, बंगाल चुनाव 2021। 2021 में मतलब नए साल में बंगाल में नया मुख्यमंत्री होगा। आपके क्या विचार है, नए साल में नया मुख्यमंत्री या वही पुरानी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी? ममता बनर्जी के शासन से पूरा बंगाल त्रस्त है, ऐसा कहना बीजेपी वालों का है, मेरा कहना नहीं है, ये मेरे खुद के विचार नहीं है, ये बीजेपी नेताओं के कहना है कि बंगाल ममता बनर्जी के अत्याचारों से त्रस्त है, परेशान है। तो आप क्या बंगाल में मुख्यमंत्री को बदलना चाहते हैं या नहीं, ये कमेंट से जरूर करें। बात करते हैं हम लोग आखिर बीजेपी अपने सारे नेताओं को उतार कर वहां पे इतने जोर तोड़ से क्यों लगी हुई है बंगाल में अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए, जबकि और भी राज्य है भी जहां पे चुनाव होने वाले हैं, वहां से ज्यादा फोकस बंगाल पे क्यों हो रहा है? बंगाल जिसे हम लोग पश्चिम बंगाल के नाम से जानते हैं, वहां पे दीदी का शासन 10 सालों से चलता आ रहा है, ममता बनर्जी, वहां पे बीजेपी के बड़े नेता अमित शाह, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पे काफी लंबे समय से वहां पे चुनावी रैली करते जा रहे हैं, 2 दिन की रैली, 3 दिन की रैली, आए दिन पिछले दिनों जेपी नड्डा पे हमला भी हुआ था, उनके काफिले पे हमला हुआ था जिसमें वो तो बच गए, उनके कुछ मंत्रियों को कुछ चोटें आई हैं। आखिर क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि इसका एक लगाव बीजेपी के स्थापना करने वाले श्याम प्रसाद मुखर्जी की वजह से है। बीजेपी की स्थापना 1980 में श्याम प्रसाद मुखर्जी ने किया था। श्याम प्रसाद मुखर्जी चूंकि नाम से ही पता चलता है कि वो भी एक बंगाली थे, बंगाली होने के नाते बीजेपी चाहती है कि जिस एक बंगाल के लोगों ने ही बीजेपी की स्थापना की थी, उसी बंगाल में आज तक बीजेपी का झंडा नहीं लगाया। क्यों? इसीलिए इस बार नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों की जोड़ी ने इस पर कमर कस लिया है कि बंगाल में बीजेपी का झंडा फहराएंगे, वहां भी भगवा रंग फहरा देंगे। तो आशा करता हूं कि जो भी लोग भगवा रंग के समर्थक होंगे या जो हिंदू लोग होंगे, वो जरूर इस बार बंगाल में बीजेपी का झंडा फहराएंगे। ऐसा आखिर क्यों, बंगाल ही क्यों? चूंकि मुंबई पश्चिम का अगर द्वार है तो बंगाल पूरब का द्वार है, इसी वजह से हर पार्टी चाहती है कि वहां पे उसका शासन हो। परंतु कई सालों से जब वहां पे ज्योति बसु मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो वहां पे दूसरी पार्टियों के लिए कोई नामोनिशान नहीं था, वो एकमात्र मुख्यमंत्री के रूप में लंबे समय तक 29 सालों तक उन्होंने राज किया। उनके मुख्यमंत्री पद छोड़ते ही बुद्ध भट्टाचार्य बने थे जिन्होंने कुछ साल तक शासन किया, उसके बाद से सीपीएम वहां पर गई, तब से मां माटी मानुष के नारे के साथ ममता बनर्जी वहां पर कुर्सी पर बैठी थी। परंतु उसके बाद न तो सीपीएम ने सर उठा पाया वहां पर, न तो कांग्रेस सर उठा पाई है, परंतु इस बार डायरेक्ट बाजार मार्केट में एंट्री लिया किसने, बीजेपी ने। इन दोनों के खेल में डायरेक्ट उतरी है बीजेपी। पहले सीपीएम और टीएमसी का वहां पर लड़ाई होता था, राजनीति की लड़ाई होती थी, अब इस लड़ाई में कूदी है कौन, बीजेपी। आपको क्या लगता है, इस बार बीजेपी इस लड़ाई में जीत पाएगी या फिर से ममता सरकार वापस आएगी? आप अपने विचार हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखें ताकि हम लोग अगले वीडियो में आपके उस कमेंट्स का अगले नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो बना सकें। धन्यवाद।